हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज की क्लास का टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इन आवर डेली लाइफ। हियर वी विल डिस्कस ओनली द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। में फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टी, हमने इन दोनों को अलग अलग सॉर्ट आउट कर दिया है। पहले एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ तो लिखा गया है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग होती है। एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्या क्या है? एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तीसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ये तीन पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी में। इधर क्लियर? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में देखिए, आप एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए और एनसीईआरटी के बुक में जब आप देखेंगे On moving down the group, then the atomic and ionic radii of the element of nitrogen family, मतलब सबसे बड़ा जो ionic radii, मतलब on moving down the group, are smaller than the corresponding element of carbon family। इसको समझिएगा कि जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, उस ग्रुप के एलिमेंट का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वह स्मॉलर है 14 ग्रुप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 14 ग्रुप में कार्बन की फैमिली है, 14 ग्रुप में कार्बन की फैमिली है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-4 होगा, तो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसको सेल बनाते हैं प्लस 1 सेल एंड 2 सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पे देखना है कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन्स का डिस्टेंस भी कम होता जाता है, मतलब साइज छोटी होती जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हम बना रहे हैं सेल का प्लस, ये न्यूक्लियस हो गया 1 सेल एंड 2 सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस फोर्स बढ़ेगा। इसका फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। जैसे जैसे बैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, और उस कंडीशन में उसकी साइज क्या हो जाती है? छोटी होती जाती है। तो हमने यही बोला है कि 15 ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उनकी एटॉमिक साइज 14 ग्रुप के एलिमेंट से छोटी होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 14 ग्रुप में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और 15 ग्रुप में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 14 का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, 15 का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इज आल्सो डिपेंड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट टू द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एनी एटम। इधर क्लियर? तो हमने लिखा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली आर स्मॉलर देन द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली। इसका तो हमने आपको सोल्यूशन बता दिया। दूसरे का सोल्यूशन देखिए कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप तो देन द कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विच इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। यह भी सही है। कैसे सही है? कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का कितना होता है जी? 33 होता है, ठीक है, और एंटीमनी का होता है 51, बिस्मथ का होता है 83 एटॉमिक नंबर है। जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2-5, 2-8-5, 2-8-18-5, ठीक है, 2-8-18-18-5,
ये 53 होगा, कुछ ऐसे होगा कि 285 15 हो गया, 28 33, 28 18 5 का मतलब 18 दून 36 10 46 5 51 तो 51 होगा, सॉरी 83 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 28 18 32 18 5, कुछ ऐसे होगा। तो देखिए इसमें ये सेल बढ़ता जा रहा है, इसमें दो सेल हैं के सेल्स यल सेल्स, इसमें तीन सेल हैं के सेल्स यल सेल्स यम सेल्स, के सेल्स यल सेल्स यम सेल्स यन सेल्स, के सेल यल सेल यम सेल यन सेल ओ सेल, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सेल बढ़ता जा रहा है। तो जब हम ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे, मतलब ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब हम मूव करेंगे, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम की साइज भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब उसका एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात हमारी, कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज तो देन देयर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर, दीज इज अ कंसिडरेबल इंक्रीजिंग इन कोवेलेंट रेडियस फॉर नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। इस तो समझने वाली चीजें हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बिटवीन में जो एटॉमिक साइज की इंक्रीजिंग है वह अचानक बड़ा हो जा रही है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का लगभग लगभग जो है एटॉमिक रेडियाई हमको मिला 70 PM और इसका मिल गया 110 PM, इसका मिल गया हमको 100, एक्यूरेसी नहीं है, नियरेस्ट है इसके 110 PM, क्योंकि इतना हम किस एटम की साइज कितनी बड़ी है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, किसका आयनाइजेशन एन्थैल्पी की वैल्यू कितना है, ये पूरी तरीके से माइंड में सेट नहीं हो पाता है, इसको तैयार करना पड़ता है, रटने वाली चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है ये, आप हमारे फार्मूला के द्वारा इसको प्रूव नहीं किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल है कि फर्स्ट एलिमेंट किसी एटम के आउटर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एन्थैल्पी कितनी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एन्थैल्पी कितनी होती है, तो यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको तैयार करना पड़ता है। या किसी एक एलिमेंट का पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, या उसका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी साइज के सब्सन आते रहते हैं और इसको माइंड करने की जरूरत नहीं, इसको तैयार करने की जरूरत है। इसलिए हमने अप्रोक्स के फॉर्म में लिखा 110 121, इसको मान लीजिए 131, एक अप्रोक्स है, मतलब अप्रोक्स मतलब ये लगभग लगभग हम बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के लेके चलेंगे कि यह 70 to 100 PM का कंसिडरेबल इंक्रीजिंग कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए तो इसका तो अप्रोक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 110 हुआ तो इसका 121 हो गया, तो कोई बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं बन रहा है। अगर 121 है तो 131 हो गया, इनके बीच में से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो है 10 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, इसमें भी 10 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, तो एक जो सीक्वेंस बना रहा है। लेकिन यहाँ तो हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे कि 70 से 110 की यूनिट की इंक्रीज हो गई, तो ऐसा क्यों होगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बिटवीन में जो एटॉमिक साइज की इंक्रीजिंग इतनी जबरदस्त इंक्रीजिंग कैसे हो गई। तो इसमें हमारा लॉजिक यह कह रहा है कि नाइट्रोजन का बैलेंस ऑफ बैलेंस सेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 5 है, मतलब दो ही सेल है, यहाँ प्लस है वो न्यूक्लियस हो गया, 1 सेल 2 सेल 1 2 3 4 5, इसकी साइज छोटी हो गई। लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, तो इनर्ट जो होता है जिसको इनर्ट बोलते हैं, मतलब अंदर वाली सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये कहेंगे कि इनर्ट और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, आउटर मोस्ट सेल्स और इनर्ट सेल्स, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल्स हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इनर्ट सेल्स हो गया, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन हुआ तो साइज हमारा अचानक क्या हो गई, बढ़ गई।
ठीक है, इसमें तो ऑक्टेट नहीं था, इसमें दो था, पहले वाले सेल में कितना था, दो था, उसके बाद वाले पांच थे, तो थोड़ा सा फैलाव कम होगा, मतलब उसका इंक्रीजिंग कम होगी, 70 मान लीजिए, इसका 70 पीएम आया, लेकिन इसमें बढ़ोतरी काफी हो गई, इसलिए कि इसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन के साथ साथ क्या मिल रहा है हमको, रिपल्सन मिल रहा है, और अट्रैक्शन रिपल्सन इनर्ट को भी क्रिएट करते हैं, इनर्ट क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस के बिटवीन में लार्जर डिफरेंस बन गया, कोई अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन दिखाया। अगला ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन, पहले तो 14 और 15 ग्रुप का कंपेरिजन कर लिया जाए, 14 ग्रुप के एलिमेंट से 15 ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इससे हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो डिपेंड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन टू द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एनी एटम्स, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिटरमाइन करता है। मान लीजिए किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है और किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए होगी क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट होने के लिए, तो किसी भी किसी के साथ वो कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना सकता है। जैसे मान लीजिए फुलरीन है, फुलरीन क्या है, फुलरीन एक कैटरीना कैफ है, ऐसे समझो कि उससे के साथ कोई भी एक्टर, जिस टाइप से कैटरीना कैफ के साथ कोई भी एक्टर फिल्म को साइन करने के लिए इंस्पायर्स होता है, उसे फुलरीन किसी के पीरियाडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके वो प्रोडक्ट को बना सकता है, तो फुलरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसीलिए ज़्यादा होती है, उसके बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, उसका सेल की साइज भी छोटी होती है, वह किसी के साथ कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक। तो हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो डिपेंड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन टू द आउटर मोस्ट सेल्स, तो अगर हम 15 और 16 की बात करते हैं तो 16 ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अब 14-15 में कंपेरिजन करेंगे तब किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके बैलेंस ऑफ सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, उसको 3 रिक्वायरमेंट है, तो 3 रिक्वायरमेंट है, 3 कोई भी इजिली तो शेयर नहीं करेगा, इजिली कोई देगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो उसके साथ कॉम्बिनेशन करके बांड बना सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है NCl3, लिख दिए नहीं लिख दिए PCl3, नाइट्रोजन क्लोरीन के 3 एटम को एक्सेप्ट किया, नाइट्रोजन के 3 एटम को मतलब क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के गेन किया क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है समथिंग और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0, तो क्लोरीन इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कम हो जाती है, 2.5 के समथिंग आती है, तो क्लोरीन इस फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा, तो NCl3 मतलब यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो हम कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बैलेंसेस में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ भी बैलेंसेस में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन को भी ये एक्सेप्ट करेगा या फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन को भी ये एक्सेप्ट करेगा। अगली बात हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट है सब पॉलीएटॉमिक होते हैं, नाइट्रोजन डाईएटॉमिक होता है, बाकी फास्फोरस आर्सेनिक एंटिमनी बिस्मिथ पॉलीएटॉमिक के फॉर्म मिलते हैं। दूसरी बात कि डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन का मतलब वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है डाईएटॉमिक है, तो डाईएटॉमिक है तो नेचर क्या है, गैस है, और इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से एटमॉस्फेयर हमारा क्या इनर्ट बना हुआ है, नहीं तो माचिस की तीली जलाते ना तो कंटिन्यू जलता ही रहता हो, बुझता नहीं, लेकिन 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंस है वो इनर्टनेस के कारण जो है कुछ देर के बाद जलने के बाद माचिस की तीली बुझ जाती है। तो उससे डायरेक्ट नाइट्रोजन का स्टेज क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, गैस के फॉर्म में, जबकि इसको छोड़ दिया जाए फास्फोरस, फास्फोरस में 2 फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, वाइट फास्फोरस तो बहुत ही एक्टिव है, वो रूम टेम्परेचर पे आने पे उसमें काट फायरिंग हो जाती है, उसको तो पढ़ना नहीं है, नहीं तो अगर कोर्स में रहता तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते, फास्फोरस की फैमिली को पढ़ना ही नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन की फैमिली को ही हमको पढ़ना है। तो बाकी जितने भी मेम्बर फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, सब टोटल जो है रूम टेम्परेचर के पे सॉलिड के फॉर्म में मिलने वाले हैं। मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर के बारे में क्या बात करेंगे कि हमको ये कहना है कि मेटा 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं और 15 ग्रुप के एलिमेंट में अगर मेटालिक प्रॉपर्टी का कंपेरिजन रख रहे हैं
तो 15 ग्रुप के एलिमेंट की जो मेटालिक प्रॉपर्टी होगी वह कम होगी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होगी तो क्या होगी, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट में बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो देने का काम तो करेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, लेने का काम करेगा, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशंस का रूल्स भी है कि जिसके बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है वो ले सकता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, और जिसके बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है वो दे सकता है किसी को भी, लेकिन जिसके बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है न तो देगा न तो लेगा, बल्कि करेगा क्या, वो शेयरिंग का काम करेगा। तो कार्बन की मेटालिक जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा होती है, कार्बन की फैमिली की मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की फैमिली की मेटालिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसके बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी भी उसकी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करते हैं, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मिथ के डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में मेटालिक प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमारा कहना है कि नाइट्रोजन से जब बिस्मिथ के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज वेयर एज मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 2, 5 मतलब 2, 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस 2, 8, 5, आर्सेनिक 2, 8, 18, 5, एंटीमनी का 2, 8, 18, 18, 5, बस इतने का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये तीन इलेक्ट्रॉन कोई भी इसको दे सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सेल की साइज छोटी है, यहाँ अगर न्यूक्लियस बना दें तो डिस्टेंस हमारा इतना ही बचा, दो ही सेल ना है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर इस सेल में आ रहा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके सेल में आ रहा है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आइएगा कि जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, जब साइज छोटी है तो इजीली ये न्यूक्लियर फोर्स को फीलिंग करेगा। लेकिन अगर इसी को इसके जगह पे हम फास्फोरस को रख दें, ये फास्फोरस को रख दें, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बिटवीन का बढ़ गया, जब बढ़ गया तो कोई इलेक्ट्रॉन जब इस पे आएगा तो जितना इजीली नाइट्रोजन में अट्रैक्शन फीलिंग हो रही थी, क्या उतनी इजीली इसमें अट्रैक्शन फीलिंग होगी, तो हमारा कहना है कि नहीं होगी। जैसे एक मैग्नेट रखो, बार मैग्नेट को अपने टेबल पर रखो और उसके छोटी दूर पे एक आयरन की नेल कर रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब एक प्रॉपर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिस्टेंस को अगर थोड़ा सा कम कर दो, आयरन नेल और मैग्नेट के बिटवीन्स में डिस्टेंस कम कर दो, तो जो बार मैग्नेट है उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक उसी टाइप में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी, एटम की साइज बढ़ती जाएगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वह इजीली न्यूक्लियर फोर्स को फीलिंग नहीं करेगा, जब न्यूक्लियर फोर्स को फीलिंग नहीं करेगा तो उस कंडीशन में वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वह नॉन मेटल है, समझिएगा इसको कि नाइट्रोजन, चाहे इसको नाइट्रोजन को ही रख लीजिए कि नाइट्रोजन क्या दे रहा है, कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है। आर्सेनिक और बिस्मिथ एंटीमनी का रोल क्या है, तो हम कहेंगे मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स होता क्या है, तो मालूम ही आपको, जो पार्सली मेटालिक करेक्टर शोकर है, पार्सली नॉन मेटालिक करेक्टर शोकर है, तो मेटलॉइड्स हो गया। और बिस्मत के बारे में जब बात करेंगे तो कंप्लीट मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। तो यह हमारा हो गया सीक्वेंस। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।